हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोनाउन ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड व्हिच वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस मींस कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड और दैट वर्ड व्हिच वी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन हम नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं जैसे कि हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा है कि सर्व नाम क्या होते हैं सर्व नाम आर दोज वर्ड्स जो हम संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं राइट सो इट इज़ अ नाउन रिप्लेसिंग वर्ड यू कैन से दैट इट इज़ अ नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स नाउ जैसे कि हम यूज़ करते हैं राम इज़ ए बॉय ही इज इलेवेन ईयर्स ओल्ड मीन्स कि हमने क्या किया है राम को किससे रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट सेंटेंस में ही राइट right? तो ही रिप्लेस इज दर्ड राम राम को हमने किससे रिप्लेस किया ही से राइट right? तो ही क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है काइंडस ऑफ प्रोनाउन तो बेटा काइंड ऑफ प्रोनाउन में जो फर्स्ट काइंड है इट इज पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन इट रेफर्स टू द फॉलोइंग थ्री पर्सन जो कि हम थ्री पर्सन के लिए यूज करते हैं थ्री पर्सनस आर द फर्स्ट पर्सन मीन्स द स्पीकर राइट हेयर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आई एम द स्पीकर आई आई एम स्पीकिंग मैं बोल रही हूँ राइट right? तो आई एम स्पीकर इट मीन्स आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग टू मी आप मुझे सुन रहे हैं है ना तो आप क्या हैं सेकेंड पर्सन हैं और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में है ना तो प्रोनाउन क्या है बेटा थर्ड पर्सन ठीक है तो प्रोनाउन क्या हो गया यहाँ पर थर्ड पर्सन आई एम द स्पीकर मीन्स कि मैं क्या हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ जो बोलता है वो क्या होता है फर्स्ट पर्सन और जो सुन रहा है मीन्स यू तो आप क्या हैं सेकेंड पर्सन और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो अभी हम किसके लिए प्रोनाउन के लिए बात कर रहे हैं इससे पहले हमने राम के बारे में भी बात की थी राम इज अ बॉय इट मीन्स कि राम क्या है और यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या है वो है नाउन है जिनकी जगह पे हम उनको रिप्लेस कर देंगे ये थर्ड पर्सन होते हैं बेटा ठीक है तो अब देखेंगे आप फर्स्ट पर्सन में देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसको आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा लाइक फर्स्ट पर्सन आपको पता है फर्स्ट पर्सन जो भी बात करता है वो क्या क्या यूज़ करता है आई और वी मीन्स अगर सिंगुलर वर्ड में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी आई एम स्पीकिंग राइट तो आई एम स्पीकिंग तो आप के, मैं क्या हूँ अब यहाँ पे सिंगुलर हूँ राइट सिंगुलर देखिए ये है राइट right? लेकिन अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू ई -E, वी हो जाएगा राइट right? तो क्या है ये दोनों क्या है ये है फर्स्ट पर्सन अब देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है बेटा सिंगुलर के लिए भी यू ही यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी हम यू यूज करते हैं ठीक है तो बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल वी विल यूज यू एज अ प्रोनाउन राइट इट इज द सेकेंड पर्सन नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन में क्या होता है बेटा अगर कोई सिंगुलर थिंग है सॉरी सिंगुलर पर्सन है जो कि लिविंग थिंग्स है ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ही और शी एज यू नो दैट फॉर द मस्कुलिन जेंडर वी विल यूज ही और फॉर द फेमिनिन वी विल यूज शी पता है ना आपको अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है मीन सिंगुलर है अगर और आप नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं चलिए बताइए ट्रीज भी हम नॉन लिविंग थिंग्स में ही इंक्लूड करते हैं अदरवाइज वो होते तो लिविंग थिंग्स है लेकिन हम उनके लिए भी क्या यूज करते हैं हम इट यूज करेंगे याद रखेंगे आप क्या यूज करेंगे इट राइट एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं इट यूज करते हैं और इनके अलावा जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक टेबल फैन हाउस चेयर बुक पेंसिल दीज आर नॉन लिविंग थिंगस एंड इट आई टी इट विल बी यूज इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स ठीक है अगर वो सिंगुलर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे इट इफ़ दे आर प्लूरल इन नंबर अगर वो नंबर में प्लूरल है तो वी विल यूज़ दे ठीक है समझ आया आपको फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अब देखिए इसमें बेटा देखिए जो ये वाले वर्ड्स हैं दीज आर ऑलवेज यूज एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में ये वाले जो वर्ड्स हैं प्रोनाउंस हैं ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं ठीक है सब्जेक्ट आपको पता है क्या होते हैं सब्जेक्ट क्या होता है बेटा किसी भी सेंटेंस में पहला नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम सब्जेक्ट कहते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए अब आप देखिए ये क्या है दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस ये वो वाले वर्ड्स हैं मीन्स प्रोनाउंस हैं जिनको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू विल गो विद मी तो मी क्या हो गया यहाँ पे एम ई -E, मी ऐसे नहीं बोलते ना यू विल गो विद आई ऐसे तो आई थोड़ी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मी ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्या यूज किया हमने मी ये कभी भी यूज नहीं होगा आई ठीक है ऐसे ही देखो जैसे कि जैसे कि देखो आई एम टॉकिंग टू यू अब देखो इनमें बेटा ये देखो ये दोनों सेम होते हैं जब हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं इट विल ऑलवेज सेम ये हमेशा सेम रहेंगे ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? थर्ड पर्सन देखिए ही शी की जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर ठीक है अब इसके अलावा और क्या कह सकते हैं जैसे कि आई एम टॉकिंग टू हिम मैं उससे बात कर रही हूँ वो मेरा भाई है मैं उससे बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग टू हिम ठीक है टॉकिंग टू ही तो नहीं बोलते ना हम इसको क्या बोलते हैं हिम तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं इट शोज पजेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन ए सेंटेंस सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग का मतलब होता है कोई चीज आपसे बिलोंग करती है ठीक है जैसे कि मैं अगर बात करूं दिस फोन इज़ बिलोंग्स टू मी राइट तो ये जिससे मैं जो मेरा फोन है वो किससे बिलोंग करता है मुझसे करता है दिस फोन बिलोंग्स टू मी इज बिलोंग नहीं आएगा सॉरी क्या यूज होगा दिस फोन बिलोंग्स टू मी फोन मुझसे बिलोंग करता है राइट right? या और मैं इसको क्या कह सकती हूं दिस फोन इज माइन एम आई एन ई माइन तो क्या हो गया माइन यहाँ पे क्या हो गया बेटा माइन है यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन देखिए जैसे कि द पेन इज yours की ये जो जो पेन है वो किसका है आपका है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज योर पेन और हम कैसे भी कह सकते हैं बेटा दिस पेन इज दिस पेन इज योर्स योर्स तो इट मीन्स योर्स क्या है यहाँ पे इट इज पजेसिव प्रोनाउन ठीक है ऐसे ही दैट बुक इज हिज इज हिम नहीं लिखेंगे बेटा यहाँ पे हिम यूज नहीं होगा क्या यूज होगा दैट बुक इज हिज मीन्स कि ये बुक उसकी है दैट बुक इज हिज या फिर इट इज हिज बुक ज बुक हम ये भी यूज कर सकते हैं और हम हिज बुक की जगह क्या यूज कर सकते हैं सिर्फ हिज भी यूज यूज कर सकते हैं ठीक है द हाउस इज देयर्स ये उनका घर है द हाउस इज देअर्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं दिस इज देयर्स हाउस अब हमने देयर हाउस की जगह क्या किया देअर हाउस को कट करके क्या लिख दिया है द हाउस इज देयर्स देखो देअर्स ठीक है तो ये क्या हो गया पजेसिव प्रोनाउन अब देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्ट्रेटिव प्रोनाउं इट पॉइंट आउट ऑफ पर्सन और थिंग्स कि ये पॉइंट आउट करता है फिर डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी भी पर्सन या थिंग को जैसे कि दिस इज माय कॉम तो ये क्या हो गया दिस इज माय कॉम जैसे कि हम बोलते हैं ना ऐसे पॉइंट आउट करिए दिस इज माय कॉम तो ये क्या हो गया दिस क्या है यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक है जैसे कि दैट इज देयर फार्म हाउस कि ये ये फार्म हाउस उनका है. है ना अच्छा अगर हम इसी को ही बनाते बेटा पजेसिव प्रोनाउन में तो हम क्या कहते दैट फार्म हाउस इज देयर्स है ना दैट फार्म हाउस इज देयर्स टी एच ई आई आर एस है ना इसकी जगह पे ही तो यूज़ किया था हमने वो देर्यर्स की जगह पे देयर की जगह पे देयर फार्म हाउस हीज देअर्स अब देखिए दीज आर देयर पैट्स ये पैट्स ये उनके पैट्स हैं दीज आर देयर पैट्स दोज आर हिज काउस दोज आर हिज काउस तो वो काउस किसकी हैं उनकी है वो काउस उनकी हैं ठीक है तो ये क्या हो गया दोज यहां पे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव अब ध्यान से देखिए जरा इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है जैसे देखो यहाँ पे भी है ना दिस है देखो कहां पे बैग ये बैग लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है ध्यान से देख लो अब दिस इज माई कॉम दिस इज माई बैग नहीं कहा जा रहा है यहां पे क्या कह रहे हैं दिस बैग इज माइ तो बेटा ये जो दिस बैग है ये ये यहाँ पे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है ध्यान रखना है आपको क्या क्या कौन सा है यहाँ पे ये वाला है दिस इज माई कोम जब मैं कहूँ ना दिस इज माई बैग तो दिस वहां पर क्या होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा आप यहां पे कंफ्यूज ना हो इसको लेकर ठीक है ध्यान रखना है कि दिस दैट दीज दो जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो जैसे कि यहाँ पे की गई है देखो दिस इज इस क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना दैट इज दीज आर आर दोज तो ये क्या है दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि जैसे सेल्फ जैसे कोई भी काम को हम कहते हैं ना ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगी हिंदी में होता है ना निजवाचक सर्व नाम कहते हैं जिसको वही है ये कोई भी काम अपने आप करना तो वो जो अपने आप करना या खुद करना वही होता है ना निजवाचक तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है रिफ्लेक्सिव और emphatic. ये दोनों एक साथ समझने हैं आपको ये दोनों क्या होते हैं मोस्ट ऑफ एक जैसे होते हैं ये ठीक है अब देखिए इस जैसे कि सलमा कैन डू ऑल बाय हर सेल्फ कि सलमा सारे सम्स खुद ही कर सकती है ठीक है आई स्पोक टू उनसे बात कर सकूंगा सॉरी आई स्पोक टू दे माई सेल्फ मीन्स कि मैंने खुद उनसे बात की स्पॉक का मतलब क्या है यहाँ पे पास्ट है ये ठीक है तो पास्ट की बात बता रहे तो मैंने खुद उनसे बात की दे इंजर्ड देम सेल्स वाइल दे द गुड्स कि वो खुद ही इंजर्ड हो गए मीन्स उनको खुद ही चोट लग गई जब वो सामान को अनलोड कर रहे थे मीन्स कि उतार रहे थे ठीक है तो उनको खुद ही चोट लग गई तो गुड्स का मतलब है बेटा यहाँ पे ये क्या है नाउन है जो सामान होता है ना उनको कहते हैं हम गुड्स ठीक है आगे देखिए He cooked the food himself. वो उसने सॉरी उसने खाना खुद बनाया उसने खाना खुद बनाया तो बेटा ये क्या है हिम क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब देखो एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है देखो हर सेल्फ किसके लिए यूज हुआ है चलिए बताइए हर सेल्फ यूज हुआ है बेटा सलमा के लिए और सलमा क्या है फेमनिन है ना लड़की होती है ना सलमा तो मीन्स शी तो शी की जगह हम क्या शी के लिए क्या यूज होता है हर सेल्फ ऐसे ही देखो आई आई के लिए क्या यूज होता है माई सेल्फ आई के लिए देम सेल्फ यूज नहीं होगा हर सेल्फ यूज नहीं होगा बेटा सबके जो है ना फिक्सड होते हैं जैसे देखो अब देखो दे है दे के लिए हम क्या यूज करेंगे देम सेल्व सेल्फ क्यों लगाया हमने ये क्योंकि दे क्या होता है प्लूरल होता है इसीलिए ठीक है ऐसे ही देखिए ही के लिए क्या यूज करते हैं हिमसेल्फ ठीक है थीके? अब देखो नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन अब देखो इम्फेटिक प्रोनाउन भी बिल्कुल सेम होता है जस्ट सिमिलर लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक है अब देखो ही हिमसेल्फ स्पोक टू हिम वो खुद ही उससे उनसे उन्होंने उसने खुद ही उनसे बात की ठीक है मुझसे बात की उसने खुद ही मुझसे बात की आई myself didn't want to टू गो मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहता था They themselves आर गिल्टी वे खुद ही वे अपने आप ही क्या हैं गिल्टी हैं यू yourself have हैव टू टेक द डिसीजन आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा तो बेटा देखो अब ही के लिए क्या यूज़ हुआ है हिमसेल्फ आई के लिए माय सेल्फ दे के लिए देम सेल देम और यू के लिए योर सेल्फ ठीक है अब देखो ऐसे ही रिफ्लेक्सिव में भी था लेकिन अगर आपको दो एक जैसे सेंटेंस दे दिए जाए जिनमें हर सेल्फ माय सेल्फ यही सब यूज़ हो रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इम्फेटिक है तो उसका एक बहुत ही ईजी ईजीएसट वे है वो क्या है देखिए सलमा के लिए यूज हुआ है हर सेल्फ लेकिन देखिए सलमा और हर सेल्फ कहाँ है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में है ना ऐसे ही देखो आई और माई सेल्फ कहाँ है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस डिस्टेंस है बहुत दूर दूर लिखे हुए हैं है ना लेकिन जब हम बात करते हैं ना इम्फेटिक की देखो यहाँ पे क्या है आई माई सेल्फ आई के साथ जस्ट माई सेल्फ यूज किया गया लेकिन यहाँ पे क्या है आई और माई सेल्फ दूर दूर है तो बेटा जहां पर डिस्टेंस होता है ना वहाँ पर क्या यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और जहां पर वो दोनों एक साथ लिखे गए होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना देम सेल्वस और यहाँ ये यह क्या है इम्फेटिक प्रोनाउन है और यहाँ पे देखो देव अब इनमें डिस्टेंस है ना बीच में एक वर्ड आ गया है राइट right, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आपको याद रखना पड़ेगा इसके बाद देखिए फिर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है बेटा इट आस्क क्वेश्चन जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव मीन्स इंटेरोगेट करना इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना ठीक है तो जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स जिनको कहते हैं हम डब्ल्यू एच मीन्स हुट ऐसे वर्ड्स ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो किसी नाउ किसी नाउन से रिप्लेस किए जाते हैं जैसे मैं कहूँ कि ये बुक किसकी है ये बुक किसकी है हुज़ बुक इज़ दिस तो हम क्या कहते हैं राम की बुक है है ना राम की बुक है ये इट इज राम्स बुक तो ये क्या हो गया यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हुज क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया ठीक है ऐसे ही देखो हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन द एग्जामिनेशन क्लास में क्लास के एग्जाम्स में फर्स्ट कौन आया कौन आया फर्स्ट uh, जैसे अंशु अंशु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन द एग्जामिनेशन तो हु की जगह क्या यूज हुआ अंशु तो आपको थोड़ा सा याद रखना है ये चीज कि वो वाले क्वेश्चन वर्ड्स जिनको हटा के जो जो किसको रिप्लेस करते हैं किसी भी किसी भी नाउन को ठीक है ऐसे ही होम डिड यू इन्वाइट फॉर योर बर्थडे होम डिड यू आप किस किस को इन्वाइट करेंगे अपने बर्थडे के लिए फिर मैं बताऊंगी कि मैं किस किस को इन्वाइट करूंगी है ना तो अपने फ्रेंड्स का नाम लूँगी रिलेटिव्स का नाम लूंगी तो आपको पता है किसी भी पर्सन का नेम वो जो नेमिंग वर्ड्स है वो क्या होते हैं वो होते हैं नाउंस ठीक है तो बेटा दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आई होप यू अंडरस्टैंड वेल थैंक यू